एक ही जमींदारे कहानी। एक दिन यीशु सौरा बीड़े तो सौ लोगी एक बड़ी भीड़ ले शकेउ दो तो लागो दो तेवले सुन दे इतने सारे लोग आए कि यीशु आगे तिना सौभी के चौपना ले जागा न रोई। तई सौ पानी में ते खोड़ी किश्ती दी भागू तीदे सौ बेटो औजो लोग ले शकेउ दो लागू। यीशु तिना ले जो कहानी सुनावी। एक जमींदार बीव बोंदो बैरे निकड़ो जे भी सो हाथ के बीव बखेर दो तो लागो दो ते वे कुछ बीव पेंडे आगे पड़ो पर चोड़कू आए सो सारो बीव खाओ। दूजो बीव शकरेले माटे दी पड़ो जिदी माटो खासो काम तो शकरेले माटे दी पड़ो दो बीव स्ताबी फूटो पर तीने जोड़े माटे में ते डूगी ना बागी सोकी। जे भी सूरज निकड़ो औजो गर्मी पड़े देखो से पौधे सूखे ओजो मोरे। देखो भी कुछ बीऊ जाकड़ा मंजी पड़ो सो बीऊ बोर्ड लागो पर कांडे सो दबाऊ तई कांडे मंजी है माटे दी पौड़े दे बीऊ के जुण पौधे निकड़े तीना मंजी के कोई भी नाज ना दे सको। दूजे बीऊ बांके माटे में ते पड़ो सो बीऊ बोड़ो ओजो जित्रो बीऊ बोदो तो तिथ के ती साठ ओजो ईद सिके की सौ गुणा नाज पैदा कियो। जुण भी परमेश्वर पिछे हानलो चा सो ए बात मैथे ध्यान दिया जुण मु बोल दो लागो दो ए कहानी सुनियो चेले उलझन दी पौड़े। तई ईश्वर समझावे कि सो भी ऊ परमेश्वर वचन आ सो पेंडो एणो आदमी आ जुण परमेश्वर वचना ले सुना और तेथले समझाना आती तेको शैतान तेव के वचन चोरा अर्थात शैतान तेवले वचन समझना के दूर था। सौ शकरेलो माटो एणो आदमी आ जुण परमेश्वर वचनालय सुना औजो खुशी के ते वचनालय ग्रहण करा और जे भी मुश्किल वक्त आ या जे भी दूजे लोग तेवले सतावा तेको सौ परमेश्वर के दूर भागा मतलब से परमेश्वरा मैं ते भरोसो थोड़ो बंद करा। सौ कांडे वाड़ो माटो एणो आदमी आ जुण परमेश्वर वचनालय सुना पर सौ खासी बात में ते सोचनो शुरू करा औजो सौ खासी पैसे कमाने कोशिश करा औजो खासी चीजा पाने कोशिश करा कुछ वक्त बाद सौ परमेश्वर के प्यार ना करी सका तई तिवे जो कुछ भी परमेश्वर वचना के सीखो दो तो तेथा के सौ परमेश्वर ले खुश ना करी सका। सौ गिवे डोंठला सही आ जुण कोई नाज पैदा ना करी सका पर बांके माटे में ते सौ आदमी आ जुण परमेश्वर वचना ले सुना ते में ते विश्वास करा औजो फोड़ आना मोतियो पाठ 13:1-8, 18:23 मरकुस 4:1-8, 13:20 लूका 8:4-15 के बाइबिल एक कहानी।